दरभंगा जिला में लगातार बाढ़ का पानी नए नए इलाके में अपना कहर बरपा रहा है। दरभंगा वासी बाढ़ की कहर से जूझ रहा है। दरभंगा शहर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अपने घरों तक जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। इन लोगों की एकमात्र सहारा नाव है। राहत की बात करें तो यह लोग की खाना पे भी लालच है। सरकार की तरफ से कोई देखने तक नहीं आया। एक नेता जी आए, वह भी देखकर चले गए। बाढ़ की त्रासदी इन दिनों दरभंगा के लोग झेल रहे हैं। यह दरभंगा शहर के पश्चिम में बागमती से सटा हुआ सुहंकरपुर रत्नो पट्टी का क्षेत्र है और अभी जो बीच सड़क पे हम लोग चल रहे हैं नाव से, ये आगे जाकर बहादुरपुर के क्षेत्र बस्ती मनियारी गनौली इस क्षेत्र में यह नाव जाती है। शहर से उस क्षेत्र में सुहंकरपुर रत्नोपट्टी बस्ती मनियारी जाने का एकमात्र साधन नाव है, जो करीब 3 से 4 किलोमीटर की नाव की यात्रा करने के बाद गांव तक पहुंचती है और दिन से रात तक नाव चलता रहता है। और अब लोग धीरे धीरे जो बीमार भी पड़ने लगे हैं उनको भी अस्पताल पहुंचाने का सहारा एकमात्र नाव है। जो मजदूरी करने के लिए बाजार जाते हैं दरभंगा शहर में, उनके लिए भी वापस आने का एकमात्र सहारा नाव है। यहाँ तक कि मवेशियों की हालत, इतने कृषि प्रधान क्षेत्र रहने के कारण यहाँ मवेशियों की संख्या ज़्यादा है। सारा खेत खलिहान डूब चुका है तो मवेशियों के लिए चारा लाना भी बहुत कठिन। एकमात्र नाव ही एक सहारा है, एकमात्र नाव ही सहारा है। और ये केवल इसी वर्ष नहीं, जब भी बाढ़ आता है तो इस क्षेत्र में बाढ़ परंपरागत रूप से तबाही मचा के जाती है और लोग हमेशा त्राही त्राही करते हैं। यह नियति सा बन चुका है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। वही जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में सरकारी नाव का परिचालन कहीं नहीं हो रहा है। निजी नाव के रूप में कुछ नाव निचले इलाके में बसे मोहल्ले में चल रहा है। अभी तक हम लोग सरकारी नाव चलाने के आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिला में सरकारी नाव पर्याप्त रूप में नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ उसकी भरपाई कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मिलाकर कुल 40 से 45 नाव का काम कर रहा है और जहां पर पानी का इलाका है वहां पर यह काम कर रहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर समुदाय किचन या फिर आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शहर में सरकारी नाव कहीं नहीं चल रही है। निजी नाव के रूप में कुछ मोहल्ला जो लो लेंगे वहां पर चल रहा है, बट सरकारी नाव हम लोग ने अभी चलाने के आवश्यकता महसूस नहीं की। ऐसे और भी इलाकों में नाव की कमी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। देखिए, सरकारी नावों का अभी जरूर पर्याप्त मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एनडीआरएफ उसका भरपाई कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का टीम मिलकर के अभी हम लोगों को 40-45 बोट है और जहां पर पानी का इलाका है वहां पर ये नाव चल रहे हैं। दरभंगा शहर के पश्चिमी बागमती नदी से सटे शुभंकरपुर रत्नोपट्टी है, जो आगे जाकर बहादुरपुर प्रखंड की गनौली मनिहारी बस्ती में जोड़ती है, लेकिन बाढ़ के पानी है जिसके चलते वहां भी जाने का एक रास्ता मात्र नाव ही सहारा रह गया है। नाव सुबह से रात तक चलता ही रहता है, क्योंकि जो लोग बाजार या फिर दैनिक मजदूरी करने के लिए जाते आते हैं उन्हें इस क्षेत्र में वापस आने के लिए नाव ही सहारा लेना पड़ता है। वहीं लोगों का कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं किया गया है।